નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે એક એવો ચહેરો જેને અલગ અલગ રૂપમાં આપણે અલગ અલગ સિરિયલ્સમાં જોયેલા છે, વ્યક્તિ તરીકે મળવા જેવા માણસ અને ધીર ગંભીર દેખાતા એવા રોલ કર્યા છે, પરંતુ માણસ ખૂબ જ રમતિયાળ. સીધો આવી જાઉં, ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવી દઉં આજના આપણા અતિથિના ગેસ્ટ સંજય ગાંધીને. સંજયજી, આપકા સ્વાગત હે કાર્યક્રમમાં. સંજય, સબસે પહેલે તો પૂછના ચાહુંગા કે જબ ભી મીડિયા વાલે કુછ લિખતે હૈ સંજય જી કે બારે મેં, તો લિખતે કે વેટરન આર્ટિસ્ટ સંજય ગાંધી, યે કેસા લગતા હૈ? વો જમતા નહીં કુછ. મુજે ભી તાજ્જુબ હુઆ થા જબ મેને પહેલી બાર કહીં પઢા થા. હા, મેને કહા એસા ક્યા કર લિયા યાર મેને લાઇફ મેં. હા, તો મુજે અભી તો ખેલને કૂદને કી ઉમર હૈ, વો સીધા વેટરન. હા હા, તો બોલા તેરે બાલ કાલે કર લે. કિસી કો આદેશ દેને વાલે ઓર ઉપદેશ દેને વાલે સંજય ગાંધી કહીં દિખા. આપને બાત બતાઈ કે વો અગર બાલ કાલે કર લે તો સંજય ગાંધી વહી પુરાના वो मस्ती खोर संजय गांधी दिखेगा ना? मस्ती की बात कर, मस्ती की बात कर. संजय जी जितने धीर गंभीर दिखते उतने है. हाँ, क्या है जब हालात के थप्पड़ पड़ते हैं ना तो अच्छे अच्छे हो जाते हैं गंभीर. और गंभीर आदमी जो है समय के साथ हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अच्छा काम करने उतरते हो और अच्छा काम करना चाहते हो तो आपको सीरियस तो होना पड़ेगा, बिना उसके बात बनेगी नहीं. मतलब ये कह सकते हैं कि पहले इतनी सीरियसनेस नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी. जब आपने मुंबई में एक बात दिल पे ठान ली कि अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो हार्डवर्क और बी सीरियस, तो मंजिल अपने आप आपको मिल जाएगी. करेक्ट है, करेक्ट है. लेकिन इसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूँ. दो तीन लोग हैं जो मेरी जिंदगी में जिनका कुछ कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा है, और एक्चुअली मैं उनको बहुत जिम्मेदार मानता हूँ अपने इस जो भी मैं हूँ आज. मेरे नए नए बाल सफ़ेद होने शुरू हुए थे, नए नए मतलब नए नए सफ़ेद, दो चार जो निकल आते हैं ना, चांदी आई थी जो. तो मेरा एक दोस्त है अनुराग कश्यप, उस वक्त वो एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था ब्लैक फ्राइडे, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है, वो बहुत अच्छी फिल्मों में गिनी जाती है. तो अचानक ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग पृथ्वी थिएटर पे, काफ़ी हमने कई साल गुजारे देश पांडे जी ने सब. हाँ, मकरंद देश पांडे के साथ हमने काफ़ी शुरुआत की अपने करियर के थिएटर में स्पेशली. तो अचानक मुझे अनुराग ने एक दिन बोला कि तू बाल काले करता है? मैंने कहा हाँ. बोला इसलिए तेरे पास काम नहीं है. अच्छा, ओके ओके. तो मैंने कहा ये क्या मतलब है यार? बोला तू बाल छोड़ दे, जैसे भी आ रहे हैं आने दे, आने दे. मैंने सिर्फ उसकी इस बात को माना, पीछे क्या लॉजिक को सोचा नहीं, वो सोचा नहीं. हाँ, मान लिया और बालों को कलर करना बंद कर दिया. करेक्ट है, डाई करना बंद कर दिया. अब बाद में जो बाल आए वो बड़े अजीब से थे, आधे सफेद आधे काले, और एक बाल जो है वो आधा सफेद है आधा काला है, बड़ा गंदे से, बड़ा गंदा सा लगता था. मैं मतलब मैंने कहा खुद को ही देख के मुझे अच्छा ना लगे अपने आप को. उसके बाद मैंने बालों को थोड़ा सा ट्रिम करवा दिया. यार मुझे काम मिलने लगा. यार क्या बात करते हो, मतलब लोगों को, उन्हीं डायरेक्टर्स को जो मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, जिनको मैं एक्टर नजर ही नहीं आता था, मतलब वो मुझे एक्टर मानने को, आज भी मुझे लोग एक्टर मानने को तैयार नहीं है जो कुछ हैं पुराने मेरे दोस्त. तो चल संजय गांधी समझा कर यार, नहीं तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि वो लोग मुझे काम करता हुआ पा रहे हैं, उनको मैं कहीं ना कहीं दिखता रहता हूँ. काम मिलना शुरू हो गया यार. मतलब एक एक ऐसी बात जिसने पूरी
दुनिया बदल डाली। और एक और आदमी, उनका नाम है राजेश खन्ना। ओके। वो मेरी जिंदगी में आए या मैं उनकी जिंदगी में उतरा मुझे नहीं मालूम। उनके साथ किसी ने मुलाकात करवाई और दोस्ती हो गई, और मुझे बहुत ही कमाल का वक्त गुजारना नसीब हुआ उनके साथ। और उन्होंने एक दिन, हम लोग उस दौरान मैं बहुत शराब पीता था। कौन सी दौर की बात है? ये बात है 2002 से लेकर 2000 अभी जाने से पहले था, लास्ट ईयर तक 2013 की शुरुआत। लेकिन 2001 से 2005 तक, 4 तक आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद काका जी। और उस दौरान बिकॉज आई वॉज इन अल्कोहलिज्म इन दोज डेज, और मैं बहुत शराब पिया करता था, अभी तो मैंने सब छोड़ दिया है। उन्होंने एक बात बोली थी जो मैं बहुत नशे में था, लेकिन मुझे बात पता नहीं क्यों समझ में आ गई। कई बार आपको, आप होश में रहते हो, आपको समझ नहीं आता है, लेकिन कई बार आप बेहोशी हालत में कुछ पकड़ लेते हो। उन्होंने एक लाइन बोली थी मुझे कि टेक योर वर्क सीरियसली एंड टेक योर वर्ड सीरियसली। ओके, टेक योर वर्क सीरियसली एंड टेक योर वर्ड सीरियसली। ओह ग्रेट। जो बोल दिया कीमत की परवाह मत करियो, तू अच्छा एक्टर है, करियर बन जाएगा तेरा, चिंता मत कर। ये बात उन्होंने धुत नशे में बोली थी, मतलब वो मेरे से दो बैक आगे चल रहे थे। ओके, आई स्टिल रिमेम्बर। और मैंने उनकी इस एक सेंटेंस को पकड़ लिया। ये कहां की बात है? उनके घर बैठे थे कहीं बाहर? नहीं, ऑफिस में बैठे हुए थे उनके। बारिशों का वक्त चल रहा था और बारिश कह रही थी मैं हूं, और हम लोग शराब पी रहे थे, और उनके कुछ पुराने दोस्तों में से कुछ लोग बैठे हुए थे। और एक्चुअली मेरे पास उस दौरान काम नहीं होता था, बिल्कुल काम नहीं होता था, लेकिन वो जो एक इमोशनल सपोर्ट जो उनकी तरफ से मुझे मिली, मैं तो मानूंगा और कहूंगा, भाई जिंदगी भर कहूंगा कि वो जो आदमी मुझे दे गए, और पता नहीं मैंने शायद ले लिया उनसे। मैं थोड़ा सा चालाक निकला कि मैंने उनकी वो बात को पकड़ लिया। मैंने उनकी इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। यहाँ बात ये आती है संजय जी कि काम मिलने के लिए क्या बेस क्या होता है? क्या आर्ट, क्या कॉन्टेक्ट, या चापलूसी? नहीं, कुछ नहीं, वक्त, तकदीर। मैं आज भी बहुत कोई महान एक्टर नहीं हूँ सर। मैं बहुत, मतलब लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे अच्छा एक्टर मानते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, लेकिन अभी शुरुआत है सर। बाबा लोग पड़े हुए हैं। और मतलब काम के लिए टैलेंट से ज़्यादा वक्त बहुत ही। आपका वक्त, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपका वक्त जब आने वाला होगा, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, आपके साथ सब अच्छा अच्छा होने लगेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो गया यार। क्योंकि एक फ़ोन कॉल आपकी तकदीर बदल देता है, और एक फ़ोन कॉल आपकी बसी बसाई खुशहाल ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ रोकूंगा। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, बहुत सारी बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय दो जो विराम नो, संजय गांधी साथे नी वातो, बीजा तबक्का नी एक विराम बात। विरामबाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम आती थीमा संजय गांधी साथे नी वात। वेटरन नहीं स्टिल यंग परफॉर्मेंस करना रहा संजय गांधी साथे नी वातो बीजा तबका नी। संजय जी, आपने कहा कि एक मौका, एक घड़ी, एक फोन आपकी तकदीर बना देती है, और बनी बसाई तकदीर बिगाड़ भी देती है। बनाने वाली बात करें, स्ट्रगल की बात करें, सबसे पहला फोन कौन सा आया था संजय गांधी की जिंदगी में जिसने कुछ तकदीर बना दी? किसको मानते, क्योंकि अलग अलग सीरियल्स में काम किया है, किसको सही में टर्निंग पॉइंट मानते हैं संजय जी? मैंने एक सीरियल किया था जी टीवी चैनल का एक शो था, उसका नाम था लव मैरिज। और
आई वॉज द मेन विलन ऑफ द शो और उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे. वो बात अलग है कि वो कुछ 50-60 एपिसोड के बाद वो शो बंद हो गया था, लेकिन वही एक ऐसा शो था जिसमें काम करते वक्त मुझे ऐसा लग गया कि यही एक मौका है जहां पर तुझे प्रूव कर देना है कि तू अच्छा है या बहुत अच्छा है या बुरा है या बहुत बुरा है. फैंटास्टिक रोल, फैंटास्टिक करेक्टर. और वो मैं कैसे कर गया मुझे आज भी ताज्जुब होता है. आप अगर YouTube पर वो एपिसोड्स कुछ देखें, मेरे एपिसोड्स, मेरे करेक्टर का नाम था समर खान, अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड फिल्म प्रोड्यूसर. उसका प्रोड्यूसर था मोहनजीत सिंह मोजेस, ए वेरी बिग प्रोड्यूसर, एंड दैट डायरेक्टर वाज मनीषा शर्मा. मोहनजीत सिंह ने मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया, ही जस्ट मेट मी एंड ही सेड कि आई थिंक समर राइट. ऐसे मुझे देखा और बोला यू आर प्लेइंग समर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रोल, संजय विल यू डू इट, जस्ट गिव द स्क्रिप्ट नो प्लीज. ओके, मतलब कैरेक्टर के हिसाब से आपका देख के लगा कि ये कैरेक्टर में ये बंदा फिट है. ओके ओके ओके. मतलब ही जस्ट, मैं उसको जानता भी नहीं था, आई जस्ट मेट हिम वंस इन हिज ऑफिस. और उस आदमी ने, पता नहीं उसको कुछ होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, उनकी नज़र होती है. उनमें से अनुराग कश्यप भी है. जब उसने मुझे पहली बार रोल सुनाया ब्लैक फ्राइडे का, जो करेक्टर है जो मैंने किया था उसके साथ, वहाँ पर मुझे एक्चुअली लगा था कि आई थिंक अब लाइफ शुरू हो रही है. okay. या हो जाएगी. या संजय जी, एक बात बीच में रोक के बताऊंगा. NSD जो कि एक सही में जो न्यू में है तो वो NSD है. कि जो भी सीखने को मिला संजय जी को, दिल्ली में थे, दिल्ली से उनको एक लगा कि अभी मुझे इसी फील्ड में आगे आना है, तो आई हैव टू मूव टू मुंबई. मुंबई आके आपने ज्वाइन किया, देश पांडे जी, ये सब, मकरंद देश पांडे, उनका पूरा ग्रुप मिला आपको. पृथ्वी थिएटर में आपने बैठना चालू किया. सीधा सवाल ये है कि आज की तारीख में डायरेक्ट IPS IAS ऑफिसर की तरह सीधे नए चेहरे आ जाते हैं स्क्रीन पे, और सही में मजे हुए खिलाड़ी जो कि केमिस्ट्री जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, बिल्कुल थरो नॉलेज है जिनके पास, उनको उस वक्त का इंतजार करके बैठे रहना पड़ता है. कैसे हाउ कैसे इसको डिफाइन करेंगे? क्या ये इंडस्ट्री में इतनी अनिश्चितता आई है? अच्छा चेहरा, गुड लुकिंग, एक अच्छा सा रेफरेंस वाला फोन कॉल, इसको ले लो भाई, या तो फिर किसी की चापलूसी करनी. सही में मजे हुए जो प्लेयर है, जिनको पूरा नॉलेज है एक्टिंग को, मैं कहता हूं कि खा लिया नहीं, पचा लिया है जिन्होंने, वो इंतजार करके बैठे रहते. क्या ये क्यों इंतजार है? बरसों से ही है. नहीं, नहीं, इंतजार संजय गांधी के साथ नहीं है. नहीं, इंतजार नहीं करते वो, मैं बताता हूँ, वो इंतजार नहीं करते. एक्चुअली सर क्या है, वो खुद को इतना वक्त दे चुके होते हैं, अपने आप को इतना वक्त दे चुके होते हैं, उनको लगता है अब मुझे किसी और को वक्त देने की जरूरत नहीं है. दे आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड. जबकि ये एक नेगेटिव वो है, भाव है. वो नेगेटिव भाव है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे काम करना है या नहीं करना है. करेक्ट है. और अगर मुझे काम करना है तो आई डोंट हैव एनी राइट टू अंडर एस्टिमेट यू और यू और यू. बेशक मैं 25 किताबें पढ़ के पी चुका हूं, मुझे वो समझना होगा. मेरे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमने बहुत वक्त बिताया है साथ में, और मैं भी एक ज़माने में ऐसा ही था जिसका मुझे बहुत ज़्यादा मुआवजा भरना पड़ा और सालों खाली बैठना पड़ा ये सोचकर कि सब तो मुझे जानते हैं यार, छोड़ ना, आएगा फ़ोन. सब जानते थे लेकिन कोई फ़ोन नहीं करता था, कोई काम नहीं देता था. काम तब मिला जब ये डिसाइड किया कि काम करना है बॉस, तो घर से निकले. काम मांगा तो मिला, बिना मांगे नहीं मिला सर. बैठे बैठे नहीं मिला सर. नो, बात जी बताइए.
आप समझे, बिना मांगे नहीं मिलेगा सर आपको, और मिल गया, आपको मिल गया मौका, आपने स्ट्रगल किया, आपने घर से, आप घर से निकले, आपने अपने आप को तोड़ा, अपने आप को अलग किया, हाँ आप अपने आप को झुका दिया, आपने मोल्ड कर दिया अपने आप को, माइल्ड कर दिया अपने आप को, आपने सब किया, उसके बाद आपको मौका मिल गया। मौका मिलना इंपॉर्टेंट नहीं होता सर, उस पर चौका मारना इंपॉर्टेंट होता है। आपको मौका मिल गया, आप चौका मारा कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रगल करके, आपको एटीट्यूड दिखा के, आपको चिमचागिरी करके, आपको फोन कॉल्स रिकमेंडेशन करवा के, आप कुछ भी रेफरेंस देके, कुछ भी करके आपको मौका तो मिल जाएगा, लेकिन ऑन स्क्रीन आपको, आपने चौका मारने की तैयारी कर रखी है क्या? वो चौका मारने की अगर आपने तैयारी कर रखी है तो फिर आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है जो आप किसी से फोन करवा रहे हो या कुछ। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने तकदीर पर भी तो भरोसा करो यार। नाउ इस बीच में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आया होगा, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया था बूजिंग में, ड्रिंक करना भी शायद लिमिट से ज्यादा, या तो फिक्स घंटी बत्ती थी और उस वक्त बोले यार बैठना ही पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए ये भी शुरू कर दिया था। कोई एक ऐसा मौका जो हाइट थी फ्रस्ट्रेशन की, क्या या, मैंने शादी कर ली थी, और शादी करने के बाद मुझे बेटी हो गई एक दो साल के बाद, काम होता नहीं था, अल्कोहलिज्म में तो मैं था ही, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, और बात बात पर लोगों को मार देना, मैंने बहुत, मेरे बहुत झगड़े होते थे, मैंने बहुत लोगों के साथ हाथापाई हुई है मेरी इंडस्ट्री में, मैं काफ़ी बदनाम था उन चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से लोग काम नहीं देते थे, मुझे कंसिडर भी नहीं करते थे, मतलब कास्टिंग चल रही होती थी, मुझे पता था कि कास्टिंग चल रही है, सुधर मिश्रा के यहाँ कास्टिंग चल रही है, वहाँ कास्टिंग चल रही है, लेकिन और वहाँ पर नाम भी उठता था कि यार वो संजय गांधी पृथ्वी थिएटर में है ना, उसको लेते हैं, अचानक से कोई बोलता था कि मत ले यार, समझा कर, नहीं इसी एक्टर प्रॉब्लम नहीं है, आदमी प्रॉब्लम है, बहुत शॉर्ट टर्म बड़ा, कभी साला कब गाली दे देगा, कब थप्पड़ मार देगा, कब, मतलब ये मुझे पता चलता था जब फिल्म की कास्टिंग हो चुकी होती थी। ओके ओके, बाद में बातें आती थी। हाँ, और उस चक्कर में मैं 3 पैक और पी लेता था। ओके ओके, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि किसने क्या गेम खेली, किसने बोला था, वो कौन था, वो मुझे बोला जाता था कि पागल है क्या, वापस झगड़ा करेगा। तो ये ठीक है, ये हर किसी के साथ हुआ है, इसको यू शुड टेक इट एज ए पार्ट ऑफ द गेम। मेरा बेसिक सवाल, हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, मैं कोकीन पीने लगा था, और मैं सबको गालियां देता था, सबको गालियां देता था, मैं नाम ले लेके गालियां देता था, मैं उन लोगों के नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नेगेटिविटी मुझ में आ गई थी, पता नहीं मैं अपने आप को क्या समझता था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उस चक्कर में एक दिन मुझे आई हैड ए पैरालिटिक स्ट्रोक, आई वॉज पैरालाइज्ड, दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट। और जब मुझे स्ट्रोक आया तो उस वक्त भी मैं आई वॉज इन टू ड्रग्स, मैंने डोप मारा हुआ था, 25 मार्च 2005 रात को 12:30 बजे, बैड डेज, फैमिली डिस्टरबेंस भी, सब खत्म, सब खत्म हो गया था। देन देयर इज माय फ्रेंड अनुराग कश्यप हु सपोर्टेड मी, हु केम इन माय लाइफ एंड ही स्पेंड्स लैक्स ऑफ रुपीज ऑन माय पर मैं उससे भी लड़ता हूँ यार, आज भी लड़ता हूँ उससे, पता नहीं शायद मैं ऐसा ही हूँ, आई डोंट नो। उस वक्त जो सही जो दोस्त थे वही आए,
पार्टी में बैठने वाले, बाकी मतलब हाँ मतलब किसी का फ़ोन तक नहीं आया, किसी का फ़ोन तक नहीं आया, मतलब फ़ोन तक नहीं आया, और जिनसे उम्मीद नहीं थी वो घर तक आए मेरे, मुझे मिलने के लिए, मुझे अपनी गाड़ी में लेकर नानावती हॉस्पिटल लेकर गए, मेरा MRI करवाया, मेरे चेकअप्स करवाए, मेरा ट्रीटमेंट करवाया मैं बट वो मेरे लिए बहुत कमाल का टर्निंग पॉइंट था। अगर वो टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो आज मैं जो हूँ वो नहीं होता। देन व्हाट वाज द डिसीजन आफ्टर द स्ट्रोक, जो रिकवर किया उसके बाद क्या डिसीजन क्या लिया संजय ने कि ये मुझे करना है, ये करना है, ये गलती है, गलती पे रिग्रेट करने में टाइम नहीं, उसके बाद मैंने सिर्फ एक चीज डिसाइड की कि क्या नहीं करना चाहिए, और मैंने वो सारे पॉइंट्स नोट किए कि क्या नहीं करना चाहिए। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पूरी दुनिया जानती है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पी सर, आज तक नहीं पी। शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं पी सर, चरस नहीं पीनी चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, कोकीन नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए तो नहीं पी सर। तड़पता था, मतलब विथड्रॉवल सिम्टम्स मेरी बैंड बजाते थे, मेरे नाक से काला खून निकलता था, माई बॉडी वॉज डिटॉक्सीफाइंग एंड बहुत मतलब लेकिन वो लड़ाई मेरी किसी और से नहीं थी, वो मेरी लड़ाई मेरे खुद से थी, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे सिर्फ काम करना है। हाउ वाज द फैमिली सपोर्ट एट दैट टाइम? फैमिली सपोर्ट मेरी वाइफ की तरफ से थी, शी वाज देयर विद मी थ्रू आउट इन माय ट्रीटमेंट फेस, माय फ्रेंड अनुराग कश्यप वाज देयर विद मी। हैव यू अपोलोजाइज 100% टू योर फैमिली? 100% 110%। मैंने जाकर सबसे माफ़ी मांगी उसके बाद, मुझे माफ़ कर दो यार, गलती हो गई मुझसे। यानी ये कह सकते हैं कि दैट वाज द ब्लेसिंग ऑफ डार्कनेस, शायद वो अंधकार था ऐसा जिसका आशीर्वाद मिला। अगर वो अंधकार, वो सिचुएशन नहीं आती तो आज जो संजय गांधी इस मकाम पर है उस मकाम पर नहीं होता। 100%। मैं रुकूंगा इस एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, वक्त हुआ छोटा सा ब्रेक का। दर्शक मित्रों, समय था उसे विराम, अंतिम तबक्खानी बातों संजय गांधी साथ है नी, एक विराम बाद। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि मां। संजय जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि वो एक ऐसा दौर आया जीवन में जहाँ पे आपको लगा कि क्या करना चाहिए उसके लिस्ट नहीं, लेकिन अभी क्या क्या नहीं करना चाहिए अगर लाइफ में गोल अचीव करना है। तो एक एक ब्रेक से पहले जो हमने बताया कि उस अंधकार के आशीर्वाद रूप फिर से एक करियर नई शुरू हुई। आ जाते उसी दौर में जो मस्ती वाला दौर, जहाँ संजय गांधी एस्टाब्लिश हुए, सफ़ेद बालों वाले सो कॉल्ड वेटरन आर्टिस्ट की तरह नाउ। उसके बाद पहला खुशी का मौका कब आया? मुझे अनुराग कश्यप के ऑफिस से फोन आया और बोला कि सर अनुराग सर बात करना चाहते हैं एक मिनट। अलर्ट। हाँ, तो मैंने कहा हाँ बोल सर, एक मिनट देता हूँ सर फोन। तो अनुराग ने बात की मुझसे, बोला अच्छा सुन, तू अभी चल फिर सकता है ना? मैंने कहा हाँ हाँ पागल, चल रहा हूँ यार, क्या हुआ? नहीं, तू चल फिर सकता है कि नहीं मुझे बता। मैंने कहा हाँ हाँ चल सकता हूँ। अच्छा, और तू ऑफिस आ सकता है मेरे? मैंने कहा हाँ आ जाऊँगा। अरे कैसे आएगा तू ऑफिस? ट्रेन से आएगा, कैसे आएगा? बस से आएगा, ऑटो से आएगा, कैसे आएगा? मैंने कहा आ जाऊँगा, ट्रेन से आ जाऊँगा। अरे तू सीधी जगह से चढ़ेगा स्टेशन की यार, सो यू नो, ऐसे दोस्त नसीब से मिलते हैं यार। इज दैट कि तू ऑटो से आ? अरे मैंने कहा ऑटो से 200 रुपये लग जाएंगे यार, तू क्या कर रहा है? अरे तू ऑटो से आना तू। अरे मैं आता हूँ। रख दिया फोन। पता नहीं, मुझे लगा कि आज तकदीर चेंज हो गई। ओके। ये कौन से साल की बात है? ये 2006 सितंबर। मैं ऑफिस गया, उसने देखा मुझे ऐसे,
हाँ तू ठीक है, चल के आया ना तू? हाँ देखा देखा, हाथ देखा तेरा, हाथ देखा लेफ्ट पोर्शन, हाँ ठीक है। अच्छा तू एक काम कर, ऐसे उसने दो फोन दो मोबाइल थे उसके हाथ, ये पकड़ पकड़ ना। तो मैंने पकड़ लिया। हाँ क्या है? संभाल, अभी बहुत लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, संभाल तू, मेरे से नहीं होता। मैंने कहा मैं तेरा फोन, तू मेरा सेक्रेटरी बन जा, चल अभी। अभी तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू भी काम कर मेरे साथ, चल चल मेरे साथ काम कर। तेरे को मैं 10,000 पकड़ दूंगा, और तेरा ऑटो का कितना लगता है रोज़ खाने जाने का? मैंने कहा तो कुछ 300-350 रुपये लग जाता है। हाँ ठीक है, तेरे को 9,000 रुपये वो दूंगा, और तेरा खाना पीना ऑफिस में होगा। व्हाट करना तू, काम कर चल। ओके एंड मैंने घर से निकलना शुरू किया। आई वॉज द फर्स्ट DA ऑफ अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड गुलाल। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बस उसकी कमी थी और वो मिली, और अंदर से जो अंदर एक था सही में आर्टिस्ट था, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन हो चाहे एक्टिंग की लाइन हो, वो संजय गांधी अंदर से बाहर आया। और आज तक मतलब कह सकते हैं कि विवाह के बाद सही पुनर्विवाह 2006 में हुआ। पुनर्विवाह पे आ जाते हैं सीधा, क्या स्टोरी और क्या 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 कंटेंट में मजा आती है काम करने का, ट्विस्टी ये सब क्या, क्या 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 है ये? क्योंकि सबसे अच्छी बात पुनर्विवाह के मेरे किरदार की क्या है कि इसकी कोई इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई कि ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा ही करेगा ये ऐसा करेगा तो नहीं नहीं करेक्टर से बाहर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीडम है करेक्टर में। ओके ओके, ये कुछ भी करता है तो करेक्टर लगता है। यस, मतलब मैं क्योंकि वो मुझे मेरे गुरुजी का जो एक्टिंग को लेकर जो मंत्र मुझे मिला था कि बुरा करेक्टर बहुत बुरे से करना, गंदा करेक्टर जो होगा वो बहुत गंदे से करना, गंदा करना बहुत गंदे से, गंदे तरीके से करना, बहुत उसमें कोई कंस्ट्रक्शन हो मत जाना तू, अच्छा ऐड करना नहीं थोड़ी भी लॉजिक वॉजिक मत जाना उसमें। और जो अच्छा करेक्टर होगा उसको बहुत अच्छे से करना। वक्त बहुत कम है, एक अंतिम सवाल। शुरू में मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, संजय गांधी ये। अगर संजय गांधी खुद अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे पांच अलग अलग बात संजय गांधी खुद की बताए कि ये संजय गांधी, ये कार्यक्रम का अंतिम सवाल है। संजय गांधी स्ट्रेट है, संजय गांधी का नो नॉनसेंस एटीट्यूड है, ही कैरी नो नॉनसेंस एटीट्यूड, उसको बेवकूफियां बिल्कुल पसंद नहीं है। संजय गांधी झूठ नहीं बोलता, संजय गांधी इनसिक्योरिटी के थॉट्स के साथ जिंदगी नहीं जीता, बेपरवाह जिंदगी जीता है। आई डोंट केयर कि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं या मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। और लास्ट, यारों का यार है संजय गांधी। थैंक यू वेरी मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यारों का यार संजय जी। दर्शक मित्रों, एक एवी बात, कदाच हूँ मानु त्या सुधी फर्स्ट टाइम एवर ही एज बहुज दिल खोली ने तेमने बात करी, कदाच तेमना जीवन नी अंतरंग बातों आज तेमने खोली ने करी। मने आशा छे कि आ 24 मिनिट ना प्रोग्राम दरमियान लाइफ नी फिलोसॉफी जो खरेखर समझवी हो तो, अने मैं खास कर ग्लैमरस लाइन नी आ फील्ड नी जो फिलोसॉफी हूँ मानु त्या सुधी कदाच कोई बुक वाँचवामां नहीं, परंतु आ 24 मिनिट्स ना एपिसोड नी अंदर बधाज पासाओ कदाच खुली गया छे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। थैंक यू दर्शक मित्रों, आती बात संजय गांधी साथे नी, फरी मळीशु नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे। त्या सुधी रजा आपशो, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।